भैंचोद बाल, फिर छपरी छपरी करने लग जाओगे, ये भैंचो बाल छपरी छपरी करने लग जाओगे। तो आज हम लोग बात करने वाले, hey guys, good morning, welcome to my new vlog. हाँ, vloggers की बात करने वाले। देखो यार, आजकल अगर तुम लोग YouTube देखोगे तो YouTube रहा नहीं, सिर्फ vlogs ही रहे। ये YouTube इंडिया नहीं, ये vlogger इंडिया हो चुका है। हाँ भैंचोद, मार दिया जो खास लो। अब अगर तुम लोग YouTube पे आजकल vlogs सर्च कर लोगे तो भाई बंडलों में मिल जाएंगे। यूट्यूब पे नाजी, अरे अरे गलत पढ़ लिया, नाजी नहीं, ये नाजिक से चिल। जब लॉकडाउन चल रहा था सबको स्ट्रीमर बनना था, और अब व्लॉगर बनना है। भैंचोद लोगों से दोनों ही नहीं हो रहे। मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स की शुरुआत तुम्हें एक ही डायलॉग से मिलेगी, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं उठ चुका हूँ, सुबह हो चुकी है, हाँ लोडू। हर व्लॉग की शुरुआत है ऐसी यार, पहले तो भी मजा आता था व्लॉग देखने में, अब तो बस बकचोदी लगती है ये सारी। व्लॉग के नाम पे सब कुछ कर लेंगे लेकिन व्लॉग ही नहीं करेंगे। तो आज होने वाला है प्रैंक, और आज प्रैंक पहली बार ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आज कॉल पे प्रैंक नहीं हो रहा, आज रियल लाइफ प्रैंक करेंगे। आई लव यू ब्रो। क्या नहीं लो ना? नहीं, अभी इतने सारे लोग देख रहे हैं, ले लो। नहीं रे जय, नहीं, नहीं, नहीं। अरे लोग देख रहे हैं, नहीं। ओए ओए, ये गलत है यार, ऐसे हंसना नहीं चाहिए किसी पे। आई थ्रू माय डैड्स मोबाइल टू 10th फ्लोर एंड गिफ्टेड हिम एक्सपेंसिव आईफोन। माय डैड गिफ्टेड मी आईफोन 12 प्रो मैक्स। अये अबे बंद करो यार ये सब। अगर एक बार इस टाइप के वीडियो बनाओ तो अच्छा लगता है, लगता है कि खुशियां बांट रहे अपने लोगों के साथ। लेकिन भैंचोद, कुछ लोगों ने तो इसे अपना करियर ही बना दिया है। बार बार हर कोई नई चीज खरीद के ले आएंगे और उसका वीडियो शूट कर लेंगे और उसको व्लॉग का नाम दे देंगे, फिर उस वीडियो में चूतिया सा रिएक्शन दे देंगे और वीडियो को डाल देंगे यूट्यूब पे। व्लॉग का व्लॉग बन जाएगा और पैसे का पैसा भी रिफंड आ जाएगा। तुम दूसरे चप्पल का क्या करोगे? अब तुम्हें कोई बचा के दिखाए मेरे से। अबे यार, ये यूट्यूब इंडिया को हो क्या गया है? कुछ लोग रोस्टिंग के नाम पे रिएक्शन दे देते हैं और कुछ लोग व्लॉगिंग के नाम पे प्रैंक चलाते हैं। माना कि इवोल्यूशन अच्छी बात है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि ह्यूमन लिमिट से क्रॉस कर दो। भैंचोद इतने तेजी से इवॉल्व होने लगे तो पता चले कल को मैं किसी को। अपने भाई के नाम पे व्यूज कैसे ले, कोई इनसे सीखे नहीं। मतलब यार, चूतिया पे की भी कोई हद होती है। माना कि आपको व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन भैंचोद इसका मतलब ये नहीं कि अपने भाई को साइंस लैब का चूहा ही बना दो जिसपे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सको। ये तो यार आप लोगों ने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। अब ये देखिए, नाइट आउट विद वाइफी, हनीमून व्लॉग, रोमांटिक नाइट। यार ये व्लॉग्स पे मैं कुछ करने नहीं वाला। पता चले भैंचोद फिर फोन आ जाए ऊपर से मेरे को कि भाई वीडियो गिरा दे। ओ भाई, जो ये वीडियो देख रहा है वो भोसड़ी के सुन, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, तो पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना। नहीं एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक गांडू जिसने डिस्क्लेमर रख दिया है। नहीं यार, ये डिस्क्लेमर मेरे चैनल की तरह हो चुका है, सबको देखना जरूर है लेकिन सब्सक्राइब किसे नहीं करना, तो भोसड़ी के सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप अपनी माँ की उम्र लंबी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। आजकल यूट्यूब पे कॉन्टेंट की जगह व्लॉग्स और शॉर्ट्स ही प्रमोट हो रहे। आपको अच्छा कॉन्टेंट मिले ना मिले लेकिन आपको शॉर्ट्स और व्लॉग्स तो दिख ही जाएंगे। कुछ लोग सच में अच्छा व्लॉग बनाते हैं, जैसे कि मुंबई कर निखिल और गौरव तनेजा सर। इस पर्टिकुलर वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी सारी चीजों की। कुछ लोगों को तो भाई व्लॉगर्स के नाम पे ओवररेटेड ही बना दिया। अरे ओरियो आया ना, ओरियो भाई ये सही है, दूध ही दूध। मेरे कैमरे पे भी गिरा है। फोबिया है मुझे, फोबिया। अच्छा है ना दूध? अरे मम्मी का दूध अच्छा ही होता है, मम्मी के हाथ का दूध। मम्मी के हाथ, अरे यार मम्मी का दूध मतलब मम्मी के हाथ का दूध। अबे वो प्रोफेशनल ब्लॉगर, डेली लाइफ के नाम पे कुछ अच्छी चीजें दिखाई जाती ना कि ये अश्लील अश्लील चीजें। चलो यार, ब्लॉगिंग के नाम पे इसे भी एक बार मान सकते, कम से कम किसी को हकते हुए रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा ये। बहुत बड़ा लड़चट हो बे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सुन के पूरा सुनो, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स, और 200 पहुंचने वाले, तो जल्दी जल्दी 200 करा देना। अगर तुम्हारे पास कोई रोस्ट का सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और मुझे पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी बनी लेकिन अगली बार ट्राई करूंगा इससे लंबी बनाने का। और हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लेट है, तो थोड़ा समझो यार, मैं कुछ अच्छा कंटेंट देने का ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। चलिए सर, मिलते हैं अगली वीडियो में।